नमस्कार, मैं आपके साथ सलोनी सरीन और आप देख रहे हैं पोस्टबुल न्यूज एंड मीडिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संसद भवन में मिले। दोनों के बीच काफ़ी देर बातचीत हुई। दिल्ली के सीएम पद की शपथ लेने के बाद केजरीवाल आज पहली बार पीएम मोदी से मिले। मुलाकात के बाद सीएम केजरीवाल ने बाहर निकलकर बताया कि दोनों की औपचारिक मुलाकात थी, जिसमें उन्होंने दिल्ली हिंसा और कोरोना वायरस पे बातचीत की। अरविंद केजरीवाल ने बताया कि दिल्ली पुलिस ने बड़े ही अच्छे तरीके से काम किया, जब बीते रविवार रात को हिंसा की अफवाहें फैली थी। अगर दिल्ली पुलिस बीते हफ्ता जब सोमवार और मंगलवार को हिंसा हुई थी तब भी अगर इसी तरह काम करती तो बहुत सारी जानें बच सकती थीं। केजरीवाल ने कहा कि मैंने पीएम मोदी से मुलाकात की तो उन्होंने कहा कि जो भी दिल्ली हिंसा का दोषी है उसे सख्त सज़ा होगी, और हमने कोरोना वायरस के साथ मिलकर लड़ने पर भी बातचीत की। मैंने उनको बताया कि अभी इतवार को दिल्ली में, पूरी दिल्ली के अंदर बहुत ज़बरदस्त अफवाहें फैली थी, चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल हो गया था, जिसमें दिल्ली पुलिस ने बहुत अच्छा रोल अदा किया और जिस तरह से दिल्ली पुलिस के ऑफिसर्स सड़क पे उतर के लोगों को शांति बनाए रखने की अपील कर रहे थे, जिस तरह से पूरी दिल्ली के अंदर पुलिस ने अफवाहों को रोकने की कोशिश की और एक बहुत बड़े हादसे को उन्होंने रोका, तो ये बहुत ही काबिल तारीफ था। और पिछले हफ्ते के सोमवार और मंगलवार की दो रातें जो थी उस वक्त, उन दो रातों में सबसे ज़्यादा दंगे हुए थे और एक ही डिस्ट्रिक्ट में थे, तो अगर जैसे संडे को इतनी मुस्तैदी के साथ पुलिस ने सारी अफवाहों को रोका और दंगे होने से रोका, अगर वो मंडे और ट्यूसडे को एक ही डिस्ट्रिक्ट में था, अगर थोड़ा उसी एफिशिएंसी के साथ पुलिस उन दो दिन भी काम करती तो शायद कई सारी जान बचाई जा सकती थी। मैंने प्रधानमंत्री जी से अपील की और उन्होंने भी कहा कि अब हमें ये कोशिश करनी है कि भविष्य के अंदर कभी भी इस तरह की वारदात नहीं होनी चाहिए दिल्ली के अंदर। दिल्ली देश की राजधानी है, जो भी कदम उठाने की ज़रूरत है भविष्य में, इस किस्म के दिल्ली में दोबारा दंगे कभी नहीं होने चाहिए। ये हम सबके लिए चिंता का विषय है और जो भी इसमें स्टेप्स उठाने की ज़रूरत है हम सबको मिलकर स्टेप्स उठाने चाहिए। ये दंगे करवाने के लिए जो भी जिम्मेदार हैं, मैंने उनसे निवेदन किया, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, चाहे वो किसी भी कितने भी ऊंचे हों, किसी कितने भी ऊंचा व्यक्ति क्यों ना हो, उसको बख्शा नहीं जाना चाहिए। उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए ताकि एक मैसेज जाए कि इस किस्म की हरकतों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोरोना वायरस को लेके चर्चा हुई कि जो जिस तरह से कोरोना वायरस फैल रहा है और पहला केस अभी दिल्ली में निकला है, एक केस तेलंगाना में निकला है, और उसमें केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार मिलके काम करेंगे ताकि ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है, दुनिया भर में जहाँ भी जिस भी देश में गई है बहुत तेज़ी से फैली है, तो इसमें मिलके हम लोगों को काम करना पड़ेगा। इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गृह मंत्री अमित शाह से औपचारिक मुलाकात की। केजरीवाल ने अमित शाह से मिलने के बाद एक ट्वीट में लिखा कि गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक हुई जो बहुत ही ज़्यादा फलदायक रही। हमने कई मुद्दों पर बातचीत की, दोनों में इस बात की सहमति बन गई थी कि दिल्ली में विकास के लिए हम साथ मिलकर काम करेंगे। दिल्ली हिंसा का मुद्दा सोमवार को संसद के दोनों सदनों में गूंजा। एकजुट विपक्ष ने केंद्र सरकार से उत्तर पूर्वी दिल्ली में भड़के माहौल की मौत का जिम्मेदार कौन पर जवाब मांगा, तो वहीं विपक्ष ने केंद्र पर कानून व्यवस्था कायम करने में नाकाम रहने का आरोप लगाते हुए गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफे की मांग की। नारेबाजी और हंगामे के बीच दोनों सदनों की कार्रवाई कई बार स्थगित की गई और अंत में पूरे दिन के लिए सदन स्थगित करना पड़ा। दिल्ली हिंसा और कोरोना वायरस से जुड़ी सारी अपडेट्स के लिए देखते रहिए पोस्टबुल न्यूज एंड मीडिया। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल पोस्टबुल न्यूज एंड मीडिया को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि हम कोई भी वीडियो अपडेट करें तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। धन्यवाद।